कृषि उपज मंडी सतना परिसर में अव्यवस्थाओं की भरमार है। यहाँ पे किसान मजदूर हर वर्ग परेशान है। किसानों को जहाँ पानी भोजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वहीं तुलावटी और रेंजर को उनके मेहनताना का सही दाम नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि किसानों को सस्ते दर पर भोजन देने वाली कैंटीन ठेले पर संचालित है, जहाँ पे पूरी सब्जी की जगह ब्रेड पकौड़ा और समोसा मिल रहा है। जबकि अनुबंध कटने के साथ ही किसानों को ये बताया जाता है कि उन्हें भोजन की व्यवस्था कैंटीन में की जाएगी। ये कैंटीन के नाम पर किसानों के लिए कैंटीन वहां पर बनाई गई, इतना बड़ा प्रमाइसेस वहां पर दिया गया, बावजूद उसके वहां पर ना चलाकर ये कैंटीन यहां क्यों चल रही है? ये पानी नाश्ता के लिए सारी खाना की वहीं व्यवस्था की गई, वहीं बैठ के सब कुर्सी बेंच सब है ना। पानी अभी पानी हमें 12 बजे से वहाँ मेरा व्यवस्था हो जाता, पानी इतना ज्यादा लगता है ना जी, सब डिब्बे से पानी भरते हैं। तो वहाँ भी यहाँ रखते हैं सब, कम से कम वहाँ सब व्यवस्था इकट्ठा करा जाता है ना ज्यादातर। अब 12 बजे से मेरा चालू हो गया, खाना पाना कम्प्लीट हो गया, तो बच गया, वहाँ ताला लगा हुआ है, अब पहुंच गया है ना बालक। जब व्यवस्था देखिए ना, सामने दिख रहा है, चला गया बालक ने, वो ऑटो खड़ी है ना, पहुंच गई ना, कहाँ दिख रही, देखिए ना आप, यहाँ कैंटीन दिखाई दे रही है। खुल आपके नाम से कैंटीन, क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, मेरे नाम से नहीं है। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी की, कोई नाम से किसी मिश्रा जी की कैंटीन है। आपका क्या नाम है? हमारा तो ठाकुर साहब के नाम से जाने, मैं नंद किशोर सिंह नाम है, मैं चलाता हूँ। अरे ठाकुर साहब, कुछ नाम पूरा बताइए। नंद किशोर सिंह नहीं, नाम मेरा ज्यादा नहीं चलता, ठाकुर साहब जानते हैं, बाकी ठाकुर साहब के नाम से लोग इनको जानते हैं। ये किसी मिश्रा जी की कैंटीन चला रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शरद पराव है। सरोज जी, क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर किसानों को मंडी में? समस्याएं ये आ रही हैं सर कि पल्लेदारों की समस्या है यहाँ। जब गल्ले की आवक हो जाती है तो पल्लेदारों के पास भी मजबूरी है। वो हम लोग गवर्नमेंट से मांग किए थे, सीकेटी साहब को कई बार ज्ञापन भी दिए, तो उन्होंने बोले देखते हैं, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हैं, आज तक उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और जब किसान की आवक हुई गल्ले की, तो पल्लेदार अब जितना उनके कोटेशन जितना उनका भी बनता है, मजदूरी जितनी पड़ती है तो वो लेते हैं, अपना काम करते हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट एक काम ये करे कि निर्धारित कर दे, जो भी मजदूरी देना है तो एक जगह मजदूरी लगे, किसान क्यों 4 जगह परेशान हो। हम खड़े हैं सतना जिले की कृषि उपज मंडी में। यहाँ पर आकर आज हमने किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके पीने के पानी को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, कैंटीन को लेकर यहाँ के सहायक संचालक करुणेश तिवारी से बात करने का प्रयास किया। करुणेश तिवारी ने हमारी सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना यह है कि कैंटीन किस प्रकार से चला रहे हैं, जब उसको पैसा बचता ही नहीं है तो वो कहाँ चलाए। वो आज वो जो कैंटीन के लिए स्पॉट जो है दिया गया, 4 कमरे का प्रमाइस है, उसमें ताला लगा हुआ है और एक अत्यंत गुणवत्ताहीन, अत्यंत घटिया स्थान पर जो है किसी प्रकार से एक ठेले में कैंटीन चलाई जा रही है। अब आप इस बात का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सतना से लेकर दिल्ली भोपाल तक किसानों के उत्थान, किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत जानना हो तो सतना की कृषि उपज मंडी आप आ सकते हैं और उन अमानवीय स्थितियों को देख सकते हैं जिनमें उन किसानों को अपना जो अनाज बेचने आते हैं जिले भर के सुदूर क्षेत्रों से, उनको किन किन प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता पड़ता है, इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। हमारे साथ हैं सतना के सहायक संचालक करुणेश तिवारी जी। करुणेश जी, आपकी मंडी में, यहाँ पर कृषि उपज मंडी सतना में कल हम लोगों ने NDTV ने पूरा दौरा किया, तो मौके पर यह पाया गया कि एक तो तिलावटियों की समस्याएं हैं, उनकी कुछ भुगतान जो उनके जो मिनिमम मिलना चाहिए उसमें शायद कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ लास्ट 8 सालों में। दूसरी बात, पानी को लेकर हमने देखा कि मैक्सिमम वाटर कूलर्स जो हैं यहाँ पर, वाटर कूलर्स लगे तो है लेकिन बंद स्थिति में है। कैंटीन जो यहाँ पर है, कैंटीन में ताला लगा हुआ है, दोपहर के 12 बजे कल भी देखा था, आज भी अभी देख के ताला लगा हुआ है। कैंटीन वहाँ पर एक ठेले में कोई चला रहा है। जो व्यक्ति चला रहा है उसका कहना यह है कि ये जो कैंटीन है, हमारी कैंटीन नहीं, हमको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पंडित जी ने दी थी, हमको लोग ठाकुर साहब के नाम से जानते हैं जी। गणेश, पहली बात तो जैसा कि आपने ये कहा कि हमाल तुलावटियों की दरों के संबंध में जी, तो इनकी दरों के संबंध में मंडी उपविधि में ही प्रावधान है कि एक समिति गठित होती है जी। वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है और समिति की बैठक अभी इस महीने नहीं हो पाई है जी। विगत लगभग 4 बार बैठकें हो चुकी हैं, तो जिसमें जो उनके सदस्य उनका कोरम पूरा नहीं होने से उस पर निर्णय नहीं हो सका है जी। और जैसा भी निर्णय समिति लेगी वो सभी पक्षों को, किसानों को, चूँकि अंततः जो भी उनकी दरें बढ़ती हैं उसका भार किसानों पर पड़ता है, तो अन्य मंडियों से तुलनात्मक दरें और किसानों पर पड़ने वाले भार, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।
और अभी जो वर्तमान में उनकी प्रचलित दरें हैं आसपास की सभी मंडियों के लगभग समतुल्य हैं। इस वजह से भी ऐसा जो आप कह रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से वृद्धि नहीं हुई और उनको कम मिल रहा है, ये गलत बात है। अभी 2020 में ही वृद्धि हुई है जो कि 4 साल पहले है, और ऑलरेडी पहले से इनकी दरें काफ़ी अधिक थी अगल बगल की मंडियों से। इस वजह से वो समस्या नहीं, फिर भी क्योंकि उन्होंने आवेदन दिया था और मंडी समिति ने उसको निर्णय के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर दोनों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है अभी लेटेस्ट में ही, क्योंकि ये लाइसेंसी है और जो शासन के जो निर्देश हैं वो दैनिक वेतन पे लागू होते हैं जिसमें हर 6-6 महीने में वृद्धि होती रहती है। इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही प्रावधान है कि कौन इनके निर्णय करेगा, उस संबंध में जो समिति वो निर्णय जैसा लेगी वैसा किया जाएगा उसमें। कृषि उपज मंडी में कुछ हमाल हमारे साथ में है जो लगातार 24 घंटे यहीं पर रहते हैं, कितने घंटे काम होता है 24 घंटे में? 300-400 हो जाता काम, इतने में क्या होता है साहब? कितने घंटे काम करते हैं? 12-16-20 घंटा सुबेर भी हो जाता है। इतना काम करते हैं 300-400 रुपए मिलता है? हाँ, 300-400 मिलता है बस। तो मजदूरी बढ़ाई नहीं कभी यहाँ? अभी 20 साल से मजदूरी इधर नहीं बढ़ी, 20 साल से वही रेट चल रहा है। तो बोला आप लोगों ने यहाँ पर कभी? अरे हम लोग बहुत शिकायत किए हैं लेकिन कोई बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बढ़ाने के तैयार नहीं है? कहाँ पर रहते हो आप? हम नई बस्ती में रहते हैं। घर कैसे चल पाता होगा? घर हो गए चलते, रोग आगे चल रहा है, अब क्या करें? कितने कितने हमाल होंगे यहाँ पर मंडी में, कितने लोग होंगे आप जैसे? हम लोग जैसे बहुत 500-600 आदमी हैं। 500-600 लेबर? हाँ। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर जो हमालों की स्थितियाँ हैं जो लगातार यहाँ पर हैं, आप तिलावटी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पर क्या उसके लिए बात नहीं की साधन प्रशासन? हम लोगों ने देखिए हमारे लेटर कम से कम मंडी सचिव महोदय के पास 20-30 लेटर गए होंगे इस मजदूरी के विषय को लेके, क्योंकि महंगाई का भार इतना ज़्यादा हम मजदूरों पे पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी अभी घोषणा किया है कि भारत के सभी मजदूरों को मजदूरी दर बढ़ा के दिया जाए, और यहाँ पे माननीय सचिव महोदय से अगर बात किया जाता तो समिति की बात करते हैं कि बैठक को लेके, जो संभव नहीं हो पाता। 3 बार कोशिश हमने किया, स्वयं जाके यहाँ पे राज्य मंत्री हमारी प्रतिमा बागड़ी जी हैं जो, इनके पास भी गया, हमारे विधायक पास में है डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके पास भी गया, और रामपुर के भी हैं, मैं कई लोगों से और आपके समिति के जो होते हैं, क्योंकि निराकरण नहीं हुआ है, निराकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने इनका कहना ये 20 सालों से इनकी दरें नहीं बढ़ी हम मालूम, ये 8 साल से दरें नहीं बढ़ाई गई, 8 साल से, 8 साल पहले बढ़ाई गई, 8 साल पहले बढ़ाई गई थी, वो भी 2 रुपया, और जिसमें शर्तें लागू की गई थी कि आप लोग महंगाई को देखते हुए 1 रुपया हर वर्ष दरें बढ़ा सकते हैं, और इस परिवेश में इतनी महंगाई में वास्तविकता मजदूर का कहना जायज है कि हमारी मजदूर समथिंग इनको 8-10 रुपये कुंटल होना चाहिए, चूँकि ये बोरे लेके डालते हैं फिर उसी को करते हैं, और 8-8, 10-12 घंटे ये लोग काम करते हैं, जीविकी चलाने का आधार यही है, इसलिए प्रशासन से लड़े भी तो कितना लड़े, वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं, उनको नहीं मिल पा रहा।